कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कुछ महीनों से कि अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयरों में आंखें बंद करके शेयरों को लेकर बैठ दिया जाए ना तो अडानी जी अपने साथ साथ हमें भी अमीर कर देंगे। कुछ ऐसे ही नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर अडानी की और अडानी पावर की। सर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कुछ महीनों से कि अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयरों में आंखें बंद करके शेयरों को लेकर बैठ दिया जाए ना तो अडानी जी अपने साथ साथ हमें भी अमीर कर देंगे। कुछ ऐसे ही देखने को दिन प्रतिदिन मिलता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये समझौते पे समझौते और कई कंपनियों को ये हायर करते जा रहे हैं। एक दिशा अडानी जी पे ये लगा लेनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया के पांचवें अमीर आदमी भी बन गए हैं, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदार है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल परिश्रम के साथ ये उसमें वर्क जरूर करेंगे। क्योंकि जिस मुकाम पर एक इंसान पहुंच जाता है उसको मेंटेन करने में जो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है ना, वो पहले से ज़्यादा लगती है, ये इस बात ध्यान रख लेना। क्योंकि वो अपने को उससे ऊपर चाहता है और अगर जहाँ उन्होंने ढील छोड़ी किसी ने भी तो वो वहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये दुनिया के पांचवें इंसान बन गए और अच्छा कारोबार ये इंडिया में कर रहे हैं और विदेशों में भी इनकी परियोजना चलती जा रही है। तो इसे देखते हुए हमें अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयरों आंखें बंद कर लगता तो ऐसे प्रतीत है कि ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा बिजनेस दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपनी एनालाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि जो बढ़ते बढ़ते शेयरों में ही कभी ना कभी तो सर प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप को SBI के साथ साथ और सरकारी बैंक ना लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि अडानी जी अब तांबे के क्षेत्र में उतर गए हैं, यानी कि तांबे के कारोबार में अडानी जी को SBI के साथ साथ अदर बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें ये एक प्लांट बना रहे हैं जो दो चरणों में पूरा होगा सर। तो इनकी जो उम्मीद है सर, ये क्या करेंगे वहाँ पर तांबे को बनाएंगे और 10 लाख टन तांबा वहाँ से उत्पादन करने की इनकी एक परियोजना वहाँ पर कक्ष में चलने वाली है। तो इसे देखते हुए अब तांबे के क्षेत्र में भी अडानी जी उतर गए हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत भी सर देता जा रहा है। तो बात करते हैं अडानी पावर की, और अडानी पावर ने भी आपको अच्छे प्रॉफिट दे दिए हैं और कई लोगों को बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर ये बन गया है कुछ ही दिनों में सर। इनकी भी संभावना दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि अडानी जी एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो कोयले को आयात भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं सर, और भी कर रहे हैं लेकिन अडानी जी ज़्यादा कर रहे हैं। ये NTPC के लिए कोयला हो या फिर ये कोयल इंडिया के लिए भी ये कोयला लाने की संभावना जता रहे हो। अडानी पावर में हमारी संभावना एक अच्छी इसलिए बन रही है क्योंकि हरियाणा के कैबिनेट में आज PPA में हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये जो हस्ताक्षर हो रहे हैं ये हरियाणा में सर 1200 मेगावाट घरेलू कोयले से उत्पन्न बिजली को वहाँ पर एक समझौते के तहत ये हस्ताक्षर आज होंगे, जो एक बिजली खरीद समझौता है। तो एक पॉजिटिव संकेत निकल कर सर हरियाणा से आ रहे हैं, जो अडानी पावर को आज दिशा अडानी पावर के लिए पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन अडानी जी स्टेट बाय स्टेट अच्छा काम करते जा रहे हैं और अपने पावर को ज़्यादा फैलाते हुए अपनी परियोजना में अच्छा काम करते हुए पावर को अच्छी बुलंदियों में ले जाने के लिए अडानी जी तत्पर तैयार हो रहे हैं। एक बढ़िया ही न्यूज़ निकल कर सर हरियाणा से आ रही है। ऐसा इंसान सर जो तत्पर तैयार है काम करने के लिए, तो ऐसे इंसान का पीछा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बढ़ते कदम को शुरुआत में पकड़ लेना ही एक अच्छी संभावना होती ही है सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।